हमारे दो साथियों ने जयदीप शर्मा और कपिल चिप ने बोला है, इसका उपाय क्या है? नशा तो है, नशा आ रहा है हमारा जो साथ वाला देश है पाकिस्तान, या बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है, पहले अग्रवादी आतंकवादी आते थे, इसका हल क्या है? इसके बारे में हम लोगों ने सोच रहे हैं। हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोगों के बीच में से आए हैं। मैं भाभी चाहता हूं अपने बीच में आज माननीय हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री विनोद गुप्ता जी और हमारे पठानी साहब चीफ स्पोक्समैन और जितने भी यहाँ विस्तृत आए हैं, आज पहली बार हाउस में आए हैं, हम सब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबका भी फर्ज बनता है, लोगों ने हमें हर लाल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत, जो हम स्वच्छ भारत को कहते हैं, ये स्वच्छ भारत सिर्फ सफाई नहीं है कि हमने वो सड़कें डाली हैं वो स्वच्छ करनी है या देश को स्वच्छ करना है, ये ब्रज में स्वच्छता का हिस्सा है। हर चीज ये स्वच्छता है। हम पहले अपने घर से शुरू करें। जयदीप शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही है कि मेरे दो बच्चे हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तो मुझे नींद नहीं आती, मैं रोटी नहीं खाता हूं। इसी तरह हम सबके बच्चे हैं, हम सब इसकी चिंता करते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या दायित्व निभा सकते हैं? हम समाज हैं, सरकार के ऊपर तो हम रोक भी लगाते हैं, सरकार काम नहीं कर रही है, चाहे वाला पुलिस विभाग है चाहे बाकी लोग हैं, तरह तरह के सेंटर भी बने हुए हैं, वहां भी बच्चे जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट भी इस पर बहुत काम कर रहा है। लेकिन हम इसको अपने घर अपनी गली से शुरू करें, हम पहले अपने बच्चे से, पड़ोसी के बच्चे से, अगर कोई बच्चा हमारे बगल में बिगड़ जाता है तो हम देखते देखते उसकी तरफ देखते नहीं है, कहते ये बिगड़ा हुआ इसका बच्चा ही ऐसा है। साथियों, अगर उसका बच्चा बिगड़ा है हमारे पड़ोसी का, तो वो लग हमारे बच्चे के पास भी आएगी। अपने बच्चे को नहीं समझा सकते, अपने बच्चे को दूसरा समझा सकता है। हम प्रयास करें उसके बच्चे को कैसे हमने समझाना है, कैसे समय से लाना है। उनकी जिंदगी मौत की तरफ जा रही है। ऐसे ऐसे घर हैं जिनके घर बिकने के कगार पे हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो ड्रग्स लेता है और उसके बाद में जब पैसे नहीं मिलते घर का सामान बेचना शुरू हो जाता है। वो पेरेंट्स शर्म के मारे आगे नहीं आ रहे हैं। समाज में कुछ तत्व पैसों के कारण ड्रग अब्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस समस्या को दूर करने के लिए यह हाउस बड़ा चिंतित है और उसी में अभी हमारी डिस्कशन होगी, जो हमारे माननीय पार्षद जयदीप शर्मा जी शुरू करेंगे। जयदीप शर्मा जी, इस इशू को आप टेकअप कीजिए प्लीज। अगर कोई टूरिज्म का प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसे तो पूरे जम्मू को फायदा मिलना है। उसमें ऐसा नहीं कि वो वार्ड में इतनी, मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पहले तो वी कैन, अगर आप इसको डिस्कशन का पार्ट कराना चाहते हैं, कैन बी टेकन अप एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, वो जो है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हर जगह ही ट्रेन की जरूरत है, मेरी माँ की है, जो लोग नगर मुठी में वहाँ कोई भी मेन रोड में कोई नाले का वो नहीं हुआ, दोनों साइड ऐसे पड़ी हुई है, वो मुझे जरूरत है वहाँ पर ट्रेन बनाने की। सर बाकी जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मेन क्या अच्छा काम हुआ डेवलपमेंट का, पर हमारा कोई जेएमसी का नाम नहीं है वहाँ पर। हमारे जो एस एस साहब है, जेई है, एडब्ल्यू है, हमारी कोई नेम प्लेट नहीं वहाँ पर, नहीं कोई बोर्ड लग रहा है। और मैं किसी ठेकेदार को अपने ट्रैक्टर को बोलती हूँ तो कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, तो हमारे काम में बोर्ड नहीं लग सकते। सर कैसे बताएंगे की जेएमसी ने किया? जीएमसी इतने बात है, वी कैन मेक अ पार्ट ऑफ इट कि हम अपनी हर डीपीआर में जो है वो वी कैन मेक अ प्रोविजन फॉर दैट। ठीक है, तो आगे के लिए वी कैन मेक अ प्रोविजन अगर आपका वो है, बट देन योर जो आपका क्वेश्चन है वो रिप्लाई हो चुका है। अगर आपने डिस्कशन करना है देन वी कैन टेक इट इन अदर फोरम। और ये इसका सासुर जो है विक्टर जो है हमारे डिप्टी मेयर साहब, इनके सामने एक जगह हमने बताया, हमें बस तीन चार डेवलपमेंट एजेंसी है सर, ये कोऑर्डिनेट नहीं करते आपस में। और जो कंसर्न काउंसिल सभी की वैसे भी प्रॉब्लम है, अभी
कुछ लोग बोल चुके कि पीडब्ल्यूडी ये पूछते नहीं हमसे, शायद उनको कोई और चाहिए जिनसे पूछा जाए, काउंसलर को ये समझते नहीं कुछ, जो काम हम बताते हैं वो काम किए नहीं जाते। नौ साल से मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मैं सबका नाम लिया है तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा, वो सड़क सर जो 7-8 महीने पहले हमने जो डाली थी वो लोग क्वालिटी की नहीं पड़ी थी, म्युनिसिपैलिटी ने डाली थी सर, वार्ड 4 उस समय डिवीजन 4 थी हमारी, वो क्वालिटी की लुक नहीं पड़ी। हमारा था कि इसको हम गारंटी जो 3 साल की होती है उस पर लेंगे, क्लेम लेंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी बिना हमसे मशवरा किए काउंसलर से उन्होंने वो सारी की सारी लुक, मैं तो खुश हुआ चलो डाल दी तो मेरे इलाके की लुक पड़ गई, लेकिन पैसा तो जाया हुआ ना सर हमारा, जो पब्लिक मनी है उसका तो नुकसान हुआ। मेरा वो क्वेश्चन था कि हमसे पूछा नहीं जाता तो इसका जिम्मेवार कौन है, किसको ठहराया जाए। इसके लिए जो मैं आपको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसी साल गति शक्ति पोर्टल जो है स्टार्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी यूटिलिटी है जो भी काम हो रहा है उस पोर्टल के ऊपर अपलोड करें। इस केवल ये एक आपने एक उदाहरण दिया, इस टाइप की और भी प्रॉब्लम्स होती है कि हम जब वहां पर वर्क स्टार्ट करते हैं उसके बाद में पता चलता है यहाँ पर पीएचई की पाइप है, यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन की केबल जा रही है, तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए गति शक्ति पोर्टल अब बनाया जा रहा है और जिसमें हर डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें अपना जो है क्या क्या कहाँ कहाँ उनकी असेट है उनको हम अपलोड कर रहे हैं, सो दैट एक यूनिफॉर्म पोर्टल पर ही हो, तो अगर कल को अगर मैंने कोई रोड का काम स्टार्ट करना है वहां पर जाकर देख सके कि एक्चुअल में इस रोड पे यहाँ पर पीएचई का पाइप भी है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है, इसके अलावा उसके और भी यूज है कि उसको हम मोनेटाइज भी कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमें ऑलरेडी अगर मेरे पास वहां पर बीएसएनएल की लाइन पड़ी हुई है और हो सकता है उसकी अभी से वो अगर 1 GB की थी अभी वो उसमें से 200 MB ही हम जो आज की डेट में यूज कर रहे हैं और तो बचा हुआ जो है अगर दोबारा डालने की जगह एक नया केबल डालने की जगह उसी की जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसको यूज कर सके, इस टाइप से और भी हमारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो आप जो मिला कमिश्नर साहब ने तो दे ही दिया कि हर वार्ड स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन मैं स्पेशली अगर 4 वार्डों की बात करूं जो न्यूली क्रिएटेड वार्ड है, 4 वार्ड 72, 73, 74, 75 जो 4 वार्डे हैं ये कैसे पूरे शहर का कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये 2018 में ही म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा बने हैं, तो इनके लिए खास तवज्जो देने की जरूरत है। इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इस पर स्पेशल आप लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा फंडिंग अगर हो जाए, स्पेशल एक्स्ट्रा कोई सफाई कर्मचारी हो जाए ताकि ये वार्ड भी शहर का हिस्सा बन सके, ताकि हम भी कहें वो वार्ड भी कहे कि हम भी म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा हैं। तो सर मुझे अगर टाइम मिला है 2 मिनट में जरा क्वेश्चन को थोड़ा आगे पीछे ले सकता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर आए हैं कोई, यहाँ हमारे हाउस की मीटिंग है, अगर आएंगे सारे ओके वो कब सर जीरो पर, मतलब कल या आज ही? वो कल होगा, डिटेल में डिस्कशन होगा, ठीक डिटेल में होगा, प्लीज चलें। थैंक यू सर।